कुल्लू जिला के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क यातायात पिछले 1.5 माह से बाधित है। ऐसे में ग्रामीणों को फल सब्जियां उत्पादन सब्जी मंडी तक पहुंचाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैंज घाटी के ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग को संपर्क मार्ग निर्माण के लिए ज्ञापन दिया है ताकि ग्रामीणों की फल सब्जियां तथा सेब मंडी तक पहुँच सके, इसके लिए उचित व्यवस्था की मांग की है। डीसी गर्ग ने ग्रामीणों को जल्द संपर्क मार्ग तैयार करने के लिए आश्वासन दिया है। जो है वो एक सैंज देहुरी जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है वो बंद है, अभी तक वो उसको चालू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें बहुत बड़े जो है भूमि का संकलन हुआ है। इसे हम चाहते हैं कि उसमें एक अल्टरनेट रोड बने, कौन सा कैंची से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनोगी, उसके सिलसिले में हम आज जो है वो जिलाधीश महोदय से मिले हैं क्योंकि धनराशि उसमें बहुत कम है और ब्लॉक के द्वारा जो है उसका प्रकलन तैयार करके डी साहब को हमने सौंपा है जो 22,80,000 रुपये का है। तो अगर ये राशि का आश्वासन जिलाधीश महोदय ने हमको दिया है और इसके जो FIR की जो प्रक्रिया है उसको हमने शुरू कर रखा है, 2-3 दिन में जो है वो FIR जो है वो इनको हम सबमिट करेंगे और उस सड़क का काम जो है वो चालू करने के लिए जिलाधीश महोदय ने जो है पूर्ण रूप से हमें आश्वासन दिया है। 5 पंचायतें जो है उसमें जैसे बनोगी है, सुचैन है, दुशाड़ है, धावगी और कनौन, ये हमारा सदा के लिए भी रह सकता है परमानेंट अल्टरनेट रोड। और अभी जो है वो लोगों के सेब जो है वो सड़ रहे हैं, सब्जी की तो अभी उम्मीद ही नहीं हम कर सकते हैं कि सब्जी जो है हम मार्केट तक लाएं। हम चाहते हैं कि जो सेब की फसल है वो अगर 10-15 दिन में 20 दिन में अगर ये सड़क हमारी बन करके तैयार होती है तो उसमें जो है वो सेब के चांसेस है जिनको हम अपने सब्जी मंडी तक ले जाया जा सके। जो है वो सब्जी और फल बहुत नुकसान हुआ है इस भारी बारिश के कारण और फिर भी जो सरकार के द्वारा जो है इसमें बहुत प्रयत्न किए गए हैं। सुखू साहब जो है वो शुरू में ही वहाँ आए, जब 9 को तरस्ती हुई तो वो 10 तारीख को शायद वो सहज में उन्होंने जो भ्रमण किया और वहाँ लोगों को जो है वो मुआवजा खुल करके दिया है। हालांकि जिनने खोखे अपने रोज़गारी चलाने के लिए बनाए थे उनको भी जो है वो 50,000 देने की घोषणा की। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।